गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अलोंग विद यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एंड दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वर्क। दिस न्यूमेरिकल आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 9th चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बहुत बार एग्जामिनर इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में 2-2 मार्क्स के पूछता है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए कैसे इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है, इसीलिए आज इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप इन न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से कर पाए। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज हाउ मच वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी बाय 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आई एम अगेन रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी बाय 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। वो कह रहा है कि कितना वर्क आपको करना पड़ेगा अगर आप एक बॉडी के ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, 15 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है कितना, 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। सपोज दिस इज द बॉडी, सपोज दिस इज द बॉडी, ये आपके पास एक बॉडी है, आप इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि एफ अमाउंट का फोर्स जो कि 15 न्यूटन था वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, और ये बॉडी मान लेते हैं ये ए पॉइंट के ऊपर थी, दिस इज द पॉइंट से ए और दिस इज द पॉइंट से बी, और ये कितना डिस्प्लेस हुई, 8 मीटर। कहां पहुंच गई ये बॉडी, ये बॉडी आपकी जो है ये बी पॉइंट पे पहुंच गई। मान लेते हैं ये बॉडी कहां पहुंच गई आपकी, बी पॉइंट पे। दोबारा देखिए, एक बॉडी थी ए, एक बॉडी थी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया कितना, 15 न्यूटन। जब 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव की, और कितना डिस्प्लेसमेंट, 8 मीटर ट्रेवल करने के बाद ये बी पॉइंट पे आ गई। तो बताओ कि कितना वर्क हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने पिछली ही वीडियो में आपको वर्क का आर्टिकल कराया था और उसमें मैंने डिस्कस किया था कि वर्क होता क्या है। एज वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम किससे डिनोट करेंगे, W से, फोर्स को F से, और डिस्प्लेसमेंट को S से। वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क अब हमारे पास, फोर्स कितना गिवन है आपको, 15 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है आपको, 8 मीटर। तो वर्क कितना आ गया आपके पास, 8 × 5 = 40, 120 जूल। इसका मतलब कितना वर्क आपको करना पड़ा, दैट इज 120 जूल। कौन सा फॉर्मूला लगाया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, 2 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल है, वर्क के ऊपर है, जिसमें आपको सिंपल फॉर्मूला रखना है एंड यू आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क। व्हाट इज जे, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल इन एसआई सिस्टम। तो इतना वर्क आपको करना पड़ा अगर आप एक बॉडी के ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, और 15 न्यूटन के फोर्स के अप्लाई करने के बाद बॉडी अगर उसी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है तो वर्क हुआ है, और वर्क की वैल्यू होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको गिवन है यहां पर 15 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 8 मीटर,
तो वर्क आ गया 120 जूल। इसका मतलब कितना वर्क हमें करना पड़ा, 120 जूल। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपके 2-2 मार्क्स में आएंगे, और इसका वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज़ प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोज़, मेरा चैनल, मेरा वर्क अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय गुरु जी।